हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो एलपीपी फॉर्मूलेशन मतलब ना कैसे है ना, ग्राफ वाला बच्चों को आ जाता है और बच्चों लोग इतना बड़ा पैराग्राफ देख के सम छोड़ देते हैं। ये भी एग्जाम में 4 मार्क लिया था, राइट। तो इसको कैसे फॉर्मुलेट करने का इक्वेशन वो सॉल्व करें, राइट। अब जैसे कि इसमें टेबल रेडीमेड दिया है, तो फॉर्डर 1, फॉर्डर 2। फॉर्डर मतलब होता है गाय भैंस का चारा होता है, राइट। तो कैटल ब्रीडिंग है, कैटल ब्रीडिंग मतलब होता है जानवर को ब्रीडिंग कर रहे हैं। फूड रेशियो दिया है, तो एनिमल मस्ट कंटेन 14, 12, 1। न्यूट्रिएंट्स बोला है ABC, तो न्यूट्रिएंट्स बोला है, और 2 खाना है, और रुपीज ये लग कॉस्ट, कॉस्ट मतलब खर्चा है। फॉर्डर 1 का खर्चा 3 रुपया, फॉर्डर 2 का खर्चा 2 रुपया। फॉर्मुलेट LPP टू मिनिमाइज द कॉस्ट। तो सबसे पहले क्या करने का, मैंने कुछ बनाया नहीं अभी, कैसे आप लोग बनाएंगे तो आ जाओ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको मालूम है, जो फॉर्डर 1 है ना उसको एक्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक्स। ये खाना एक चारा है, ये दूसरा चारा है। तो पहले चारों को एक्स ले लिया, दूसरे को क्या ले लिया? वाई। इधर लिखेंगे रिक्वायरमेंट, क्या लिखेंगे आप लोग? रिक्वायरमेंट। और खाने में क्या लग रहा है? न्यूट्रिएंट्स लग रहा है। क्या लग रहा है? न्यूट्रिएंट्स लग रहा है। न्यूट्रिएंट्स ABC, ओके, न्यूट्रिएंट्स ABC। तो जैसे नंबर दिया वैसे ही आप लोग को लिख देने का इसमें, क्योंकि कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक लाइन डालेंगे, लेट लिखेंगे, लेट जेड बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जेड बी द अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा। इज टू मिनिमाइज, क्या लिखेंगे? इज टू मिनिमाइज। हमेशा सबसे पहले जेड लिख देने का। तो जेड में क्या आएगा, जो पूरे पैराग्राफ में रुपीज़ दिया ना, क्या दिया है? तो रुपीज़ देखो ना, 3 रुपया और 2 रुपया दिया है। जो भी रुपीज रहता है वो जेड में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे जेड में 3x और 2y। इधर लिखेंगे सब्जेक्ट 2, क्या लिखेंगे इधर? और इधर हमेशा लिखेंगे एक्स और वाई, मोर देन जीरो रहेगा। एक्स और वाई क्या रहेगा? मोर देन जीरो। तो रुपीज़ यहाँ लिखा ना जेड में, तो रुपीज़ के बाद पूरे पैराग्राफ में बड़ा नंबर किधर है? ये दिख रहा है, वो न्यूट्रिएंट्स से देखो ना, 14, 22, 1 न्यूट्रिएंट्स से ABC का। तो यहाँ लिखेंगे 14, 22, 1। ये न्यूट्रिएंट्स से ABC का, A का इतना, B का इतना, 1 का इतना। तो मतलब क्या हो गया आपका मालूम है क्या? रुपीज़ जेड में डाला और रुपीज़ के बाद जो बड़ा नंबर है वो यहाँ डाला, रिक्वायरमेंट में डाला। अभी इक्वेशन फ्रेम कर दो। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, इसको ले लेंगे 2x 1y 14 लिखेंगे, 2x 3y 22 लिख देंगे, 1x 1y 1 लिख देंगे। और मिनिमाइज बोला है, तो मिनिमाइज में साइन कहाँ की आएगी? बाहर की साइन आएगी। कहाँ की साइन आएगी? बाहर की आएगी। ये साइन डाल दिया, ये जेड लिख दिया, सब्जेक्टिव लिख दिया ये। तो अभी क्या बोल रहा हूँ, इतने बड़े पैराग्राफ का ये 4 मार्क का सम है। 4 मार्क्स हो गया जेब में, ख़त्म, राइट। वापस से कह रहा था, अभी और एक सम है। अभी और एक सम में क्या दिया मालूम है क्या? कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल। क्या बना रहा है? 2 टाइप्स, ए और बी। तो 2 केमिकल बना रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? केमिकल्स। क्या लिखेंगे? तो केमिकल्स ए है और बी है। तो केमिकल ए को एक्स ले लिया, केमिकल बी को वाई। इधर क्या डाल देंगे? रिक्वायरमेंट। क्या डाल देंगे? रिक्वायरमेंट डाल देंगे, ठीक है। और केमिकल्स के बाद क्या लग रहा है? रॉ मटेरियल लग रहा है। क्या लग रहा है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कौन सा बोला? पी और क्यू। इधर लिख दिया रॉ मटेरियल्स। केमिकल बनाने में कुछ पदार्थ लग रहे, ए और बी ले लिया, ठीक है। ऐसा लाइन मार दिया। और आपको टेबल रेडीमेड दिया तो लिख दो ना, 3, 2, 2, 5। इधर लिख दिया 3, 2, 5। रिक्वायरमेंट का भी नंबर डायरेक्ट दिया ना यार, 120 और 160। इधर लिख दिया 120 और 160। फिर लिखेंगे लेट जेड, जेड बी द कौन सा फंक्शन? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन? तो Z में क्या आएगा, जो पूरे पैराग्राफ में रुपीस वाला सिस्टम है और Z में आएगा। तो इधर बोला Z, प्रॉफिट बोला है। क्या बोला है? प्रॉफिट। तो 350 दिया और 400 दिया है, 350 और 400। तो ये X हो गया और ये क्या हो गया? Y। तो लिखेंगे 350x 400y। तो ये हो गया एक का, ये हो गया दूसरे का, ए और बी दिया ना लोगों ने। फिर इधर लिखेंगे सब्जेक्ट टू। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट टू मतलब कंडीशन। ये इक्वेशन लिखने का 3x + 2y। और इधर लिखेंगे 120, इधर लिखेंगे 2x 5 160। और मैक्सिमाइज बोला है, प्रॉफिट करने का ना अपने को, मैक्सिमाइज बोला है। तो मैक्सिमाइज में साइन अंदर वाली आएगी, साइन किधर वाली आएगी? और ये हमेशा लिखना कंपलसरी है, x और y विल ऑलवेज मोर देन जीरो, विल ऑलवेज मोर देन जीरो। तो ये भी सम तुम्हारा सॉल्व हो गया। ये कौन सा इक्वेशन था तुम्हारा? थर्ड वाला। कौन सा था ये? तो सेम तुम लोग 6 वाला भी ट्राई कर सकते। कौन सा वाला? 6 वाला भी ट्राई कर सकते। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस कर लो।
और एक सम देता हूँ तुम लोग को प्रैक्टिस के लिए, और बाकी का भी मिल जाएगा तुमको प्ले लिस्ट में, चेक कर लो हार्ड वाला सॉल्व करा है। और एक ये वाला इजी था राइट, एक ये वाला पैराग्राफ है ये मैंने सॉल्व किया, आप लोगों को प्ले लिस्ट में ढूंढना पड़ेगा और ठीक है बाकी का हो जाएगा। और एक ये वाला भी इजी है एक्सरसाइज का सम है। ओके सब रेडीमेड दिया है, टाइम अवेलेबल इधर डाल देने का, टाइम अवेलेबल यहाँ लिख देने का, ये एक्स ये हो गया 30 रुपीज़ एक्स और ये वाई, जेड में आ जाएगा, किस में आ जाएगा जेड में।